एनर्जी जिसका इसको क्या अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हम जो है जितना पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर लास्ट में जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको यहाँ पे हम लिखवा देंगे। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका यूनिट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर या जूल, इकाई भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो यूनिट आप याद रखिएगा, न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कि ऊर्जा में क्या क्या प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जैसे आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कैसा क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे इसमें आपको दे देगा कि जो है पटाखा जब फूटता है या टूटता है तो उससे कौन सी ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो और जितना भी ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसी का जैसे सोलर सेल में जो आप बल्ब जलाते हैं या जलता है, स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें किस फॉर्म से किस फॉर्म में ऊर्जा कन्वर्ट होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रहती है फिर उसको विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जैसे जो है पेट्रोल या डीजल जो आप जानते होंगे उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इन सारे में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यांत्रिक ऊर्जा, इस पर न्यूमेरिकल आपका बनता है। पहले से यहाँ पे हम लिख दिए फार्मूला क्या क्या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में आपको डिटेल में जानना है थोड़ा सा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल बनता है। यहाँ से आएगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, mgh और हाफ हाफ mv स्क्वायर, जिसके बारे में आप लिख दिए हैं। यहाँ पे m का है मास या द्रव्यमान, g क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी 9.8, h क्या होती है हाइट, v क्या होता है वेग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे दोनों फार्मूला, और इस पे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा बनते हैं, और इसका रूपांतरण भी कई तरीके से होता है, और इस पे एग्जांपल कई तरीके से आपके आते हैं। तो हम एक एक आपको बताते जा रहे हैं, अभी आप देखते जाइए क्या क्या है इसके बारे में। पहला है प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, प्रकाशीय ऊर्जा में क्या होता है, प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन, इसका हम डिफिनेशन आपको नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, इन सब का डिफिनेशन है, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको लिखवा देंगे। प्रकाशीय ऊर्जा क्या है, प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य के द्वारा जो रोशनी मिलती है, ठीक है, उससे जो ऊर्जा मिलती है क्या सोलर सेल क्या करता है, बल्ब जलाने में, मोटर चलाने में, तरह तरह के होता है ना, उसी प्रकाश की ऊर्जा को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किससे हो जाता है, प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में। आप ये भी पढ़े होंगे सोलर कुकर के बारे में पढ़े होंगे, सोलर कुकर में भी क्या होता है, यही होता है ना, एक डिब्बा बॉक्स रहता है, उसका डिजाइन इस तरीके से रहता है, उसमें ग्लास इस तरीके से अरेंज किए रहते हैं कि जो प्रकाश की किरण उसमें आती है ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ट्रैप होने का मतलब उसी में रुक जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, अंदर हीटिंग हो जाता है। ठीक है, वो सब ज़्यादा फिजिबल रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो है ऊंचे पहाड़ों पर या फिर जहाँ पे आइसी एरिया है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फिजिबल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है गर्म पानी करने के लिए। ठीक है, खाना पकाने के लिए भी वहाँ पर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं अवेलेबल है, उतना फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जितने भी जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ये भी उसी का इसी में आएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करते हो, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में, उसके बाद आपका क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है, इन सब की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, एक प्रकाशीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में भोजन बनाना क्या है, एक प्रकार का रसायन हुआ, तो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं इसमें प्रकाशीय ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा में ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा या ध्वनि से प्राप्त ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको लगता नहीं होगा कि ध्वनि में भी ऊर्जा होती है, लेकिन ध्वनि में ऊर्जा होती है रियल में। जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं आप तक पहुँच रहा है आवाज़, तो इसकी ऊर्जा की वजह से ही होता है। जैसे पूरे आसपास जितना पूरा क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं, ठीक है, हवा के मॉलिक्यूल्स पूरे आसपास विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं तो क्या मेरे आसपास वाला जो अणु हुआ वाइब्रेट करेगा, उसके बाद उसके बगल वाला वाइब्रेट करेगा, ठीक है, गति करेगा, ऐसे ऐसे कंपन के माध्यम से यहाँ से वहाँ तक पहुँचता है। स्कूल डेज में या फिर छोटे रहे होंगे तो आप कभी कभी जो है माचिस के डिब्बे का रस्सी में जोड़ कर ऐसे कभी फ़ोन की तरह इस्तेमाल किए होंगे, उसमें भी वाइब्रेशन का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसमें भी इसका मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि ध्वनि में भी ऊर्जा होती है। ठीक है, अभी इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। कई बार आप सुने होंगे जो है कहीं ग्लास का घर बना हो और उसके आसपास से कोई एयरक्राफ्ट गुजर जाए तो फिर क्या हो जाता है, वो शीशा टूट जाता है, या फिर कहीं बम विस्फोट होता है ना, तो अगर बम विस्फोट होता है तो आसपास की कोई अगर कांच की खिड़की है वो भी टूट जाती है, तो उसके
ऊर्जा की वजह से ही होता है, यानी ध्वनि में भी ऊर्जा होती है, उसमें तरह तरह के रूपांतरण होते हैं, ठीक है। तो ध्वनि में भी आप याद रखिएगा, ध्वनि में भी ऊर्जा होती है। माइक्रोफोन, ठीक है, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम माइक्रोफोन करता है, उस विद्युतीय ऊर्जा को फिर से उस साउंड में कन्वर्ट करने का काम लाउड स्पीकर करता है, ठीक है। जो आप देखे होंगे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर दो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो है सारे, जब कोई बड़ा सभा होता है, ठीक है, तो या फिर कहीं जो है कोई सभा होता रहता है, कोई स्पीच चलता रहता है, कैसे सब लोगों तक पहुंचता है, उसमें दो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, एक माइक्रोफोन एक लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन में क्या होता है कि आप जो बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और विद्युतीय ऊर्जा जो है आपका फिर से जो है ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो लाउड स्पीकर के माध्यम से और सब लोगों तक पहुंचता है। जो आप देखेंगे बड़ा बड़ा बॉक्स लगा रहता है कॉर्नर कॉर्नर में, लाउड स्पीकर रहता है, और जो आदमी यहाँ पे लगाए रहता है फिर वहाँ से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जाता है वहाँ पे कन्वर्ट होता है, उसमें क्या रहता है, माइक्रोफोन रहता है। तो इस तरीके से आपका प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा मतलब जो है रासायनों के द्वारा उसके मतलब केमिकल कंपोजिशन की वजह से जो ऊर्जा होगी उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की वजह से उपस्थित ऊर्जा जो होगी उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा में जैसे आप जितना भी आप जानते होंगे, ठीक है, जैसे डीजल पेट्रोल, इसमें ऊर्जा होती है ना, कभी आप ये महसूस किए हैं, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे कि आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत प्यास लगी हो, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है पानी पीने के लिए, ठीक है, तो आप अगर एक आध गिलास डीजल पी जाएंगे ना, मिट्टी का तेल, उससे भी आपको ऊर्जा मिल जाएगी, मिलती है, इमरजेंसी केस में ऐसे इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है, मतलब इमरजेंसी आपको वाटर नहीं मिल रहा है, कुछ पीने के नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे जैसे यहाँ पे तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अरेबियन कंट्री में जाएंगे, जैसे जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा जो है इराक, ईरान, जहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा है पानी कम है, ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ स्थिति ऐसी होती जा रही है कि पानी की दिक्कत अब हो रहा है, वहाँ पे जो है वहाँ पे तेल अधिकता है, वहाँ पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है, एकदम लिमिटेड वाटर मिलता है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है बहुत दिक्कत होती है, जो यहाँ पे रहने के बाद वहाँ पे जाए तो वहाँ पे सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत होता है। जो आप पानी का इस्तेमाल यहाँ पे चार बाल्टी नहाने में कर देते हैं, तीन बार कपड़ा धुलने के लिए जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे एक ही बार नहा के उसी को पानी रिसाइकिल होता है, उसी पर कपड़ा भी धुलेंगे, इस तरीके से होता है। तो फिर मैं क्या बता रहा था कि रासायनिक ऊर्जा क्या होता है कि जो जितने भी पेट्रोल डीजल जितने भी हैं उसकी वजह से उपस्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, उसके मतलब अणुओं में उपस्थित ऊर्जा या फिर रासायनों की वजह से उपस्थित ऊर्जा की को क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा की वजह से, ऊष्मा की वजह से उत्पन्न ऊर्जा, जैसे आप कोई पानी गर्म कर रहे हैं तो उसमें भाप निकलता है, भाप में इतनी ऊर्जा होती है कई बार आप जल भी जाते होंगे, पानी गर्म कर रहे हो अचानक आप बर्तन का ढक्कन हटाएं तो आपके उसके भाप से जल जाते होंगे, हाथ जल जाता होगा, ठीक है, बहुत ये नेचुरल चीज़ है, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें क्या, उसमें भी ऊर्जा होती है। उसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए थे जो है जेम्स वाट, आप नाम सुने होंगे, सबसे पहला जो भाप का इंजन बनाए थे जेम्स वाट जो बनाए थे राइट ब्रदर्स लोग, तो उसी का इस्तेमाल किए थे भाप का ऊर्जा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके उष्मा में भी ऊर्जा होती है, ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ में आप ऊर्जा है जिसको आप जानेंगे देखेंगे, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को मिला को क्या बुलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की स्थिति या आकार की वजह से जो उसमें ऊर्जा होगी उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी में विद्यमान होने के लिए हाइट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना इसमें एच का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब तीनों का इम्पोर्टेंट है, मास, ग्रेविटी और जो है एच, हाइट, मतलब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे जो है पानी का भरा हुआ टैंक ऊपर रखा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। जब तक पानी का टैंक, पानी उसमें ऊपर रखा हुआ है तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है, जब वो पाइप के माध्यम से फ्लो करने लगेगा तो उसमें स्थितिज प्रगतिज दोनों आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जहाँ भी हाइट वाला चीज़ आएगा, कोई जैसे टेबल पर रखा हुआ है, ऐसे हम पेन रखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। आप दौड़ रहे हैं तो आप में कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगी। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होगी उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, किसी वस्तु में स्थिति व आकार की वजह से जो ऊर्जा होगी उसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो आप इसको एकदम डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा, बहुत सारी एग्जाम्पल आपको भी हम बताएंगे स्थिति ऊर्जा पे, गतिज ऊर्जा पे, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, इसमें एम क्या है, मास है, द्रव्यमान, वी क्या है, वेलोसिटी, ये सब आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, एम दिया रहेगा, वी दिया रहेगा, उसी को आप जो है बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना रहेगा। हो सकता कई बार एग्जाम में जी नहीं दिया रहेगा, तो जी आप वैल्यू याद रखेंगे, 9.8 रहता है हमेशा, फिक्स है ये, ठीक है। मास दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, तो उसको आपको
जो है क्या स्थिति ऊर्जा, ऐसा भी हो सकता है आपको स्थिति ऊर्जा बोल जो है पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा निकालिए, ठीक है क्वेश्चन में दे दिया यांत्रिक ऊर्जा, फिर दो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा, स्थितिज निकालिए फिर गतिज निकालिए फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जब पेंडुलम जब चलता रहता है, पेंडुलम जो घड़ी का पेंडुलम होता है, जब 9 बजा तो पहले ऐसे रहता है, ठीक है, जैसे 9 बजता तो फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, होता ना ऐसे, तो जब तक ऐसे रहता है तो उसमें क्या रहता है स्थितिज ऊर्जा केवल रहेगी, फिर जैसे इधर गया फिर इधर गया मोमेंट करने लगा तो फिर क्या हो गया, हाँ मोमेंट के दौरान तो गतिज रहेगी लेकिन पूरा मिला के क्या बोलेंगे उसमें दोनों ऊर्जा रहेगी, यांत्रिक ऊर्जा रहेगी, ठीक है स्थितिज। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में हैं जो मैं आपको बताएंगे कहाँ कहाँ कौन सी ऊर्जा होती है, तो इतना आप याद रखिएगा जो वहाँ पर लिख दिए हैं। अच्छा, ऊर्जा को उसके उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण मतलब क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नवीनीकरण मतलब हुआ कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिसको बार बार जो है प्रयोग में लाया जा सकता है या फ्यूचर में कभी खत्म ना होने वाले हों, ऐसे स्रोतों को क्या बोलते हैं नवीनीकरण ऊर्जा। जैसे आप जानते होंगे नवीनीकरण में क्या क्या आएगा, हाँ सौर के द्वारा, पवन के द्वारा, ठीक है, या फिर बायोगैस के द्वारा, ऐसे जितना भी है ये सब किस में आएगा आपका नवीनीकरण में। अनवीनीकरण में कौन सा आता है, जो आने वाले भविष्य में खत्म हो जाए या फिर जिसके स्रोत फिक्स हैं, ठीक है, जैसे कोयले का अमाउंट फिक्स है आने वाले 50 सालों में खत्म हो जाएगा, डीजल पेट्रोल का अमाउंट फिक्स है वो आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाए, तो जो बार बार इस्तेमाल ना किया जा सके या फिर जिसका जो भंडार है आने वाले फ्यूचर में खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय स्रोत बोलते हैं, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे नवीकरणीय स्रोत अनवीकरणीय स्रोत, उसकी उपलब्धता के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो ये ऊर्जा के बारे में इतना सारा था, ठीक है, और हम अभी आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्पेशली जो है इसके बारे में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में हम लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि और फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता देंगे, जो एग्जाम्पल ही जनरली आता है एग्जाम में पूछ लेगा कि इसमें ऊर्जा किस में रूपांतरित हो रही है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, या फिर उष्मीय ऊर्जा है, तो आप एग्जाम्पल के माध्यम, कई किसी किसी में कन्फ्यूजन होता है, कई कई में आपको क्लियर रहेगा, तो ऐसे 10-12 हम आपको भी लिखवा देंगे तो आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।